तो देखिए, लर्नर ने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन एक वो स्टेट है जहां पे मोनोपोली पावर जीरो होती है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू प्लूटस आईएएस। सो गाइस, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स से, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट 20-25 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन मैक्रो, देन मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस तरीके से पूरी हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सारे सेक्शंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो ये एक प्लेलिस्ट बनेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल में जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चंस आए सारे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2018 एंड इट इज सेइंग डिस्क्राइब लर्नर्स मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। हमें मोनोपोली पावर में लर्नर्स का क्या मेजर था इस चीज को डिस्क्राइब करना है। सो सी गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग टू लर्नर्स मेजर, सबसे पहले हम लोग मोनोपोली पावर एक्चुअली होती क्या है इस बारे में बात कर लेते हैं। So, first let's discuss what is monopoly power. क्योंकि इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आप जो है क्वेश्चन को इजिली आंसर कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा एजेंडा है कि जो भी टॉपिक टच किए हैं क्वेश्चन ने उन सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, मोनोपोली पावर के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनोपोलिस्ट की। सो सी, जो भी मोनोपोलिस्ट होता है यानी जिसकी मोनोपोली होती है उसके पास, उसको हम लोग रिफर करते हैं एज अ प्राइस मेकर। सो मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, यानी कि वो मार्केट में डिसाइड करेगा प्राइस ऑफ द गुड, क्या प्राइस होगा गुड का वो डिसाइड करेगा। और क्योंकि ये प्राइस डिसाइड कर रहा है मोनोपोलिस्ट, हेंस ही विल आल्सो बी एबल टू डिसाइड आउटपुट, कितना प्रोडक्शन का आउटपुट होगा वो भी यही मोनोपोलिस्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मोनोपोलिस्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स को सेल करना चाहता है इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, इफ देयर इज अ मोनोपोलिस्ट एंड ही वांट्स टू सेल लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तो वो क्या करेगा, वो गुड्स के प्राइस को डिक्लाइन कर देगा। तो जब ये प्राइस को डिक्रीज कर देगा तो इसकी जो क्वांटिटी है या वॉल्यूम सोल्ड ये इंक्रीज कर जाएगी, एंड वाइस वर्सा, अगर उसे कम क्वांटिटी सेल करनी है तो प्राइस बढ़ा देगा, इफ ही विल इंक्रीज द प्राइस तो क्वांटिटी सोल्ड कम हो जाएगी। तो ये जो मेजर है, ये जो पावर है प्राइस और आउटपुट को कंट्रोल करने की, ये कहलाती है मोनोपोली पावर। सो व्हाट इज मोनोपोली पावर देन? इट इज एक्चुअली द पावर टू कंट्रोल प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है और क्या प्राइस रखना है मार्केट में, ये कंट्रोल करने की एबिलिटी आपकी मोनोपोली पावर कहलाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, मोनोपोली पावर कई जगह पे पाई जाती है, सिर्फ मोनोपोली में ही नहीं। अगर ऑब्वियसली मोनोपोली में तो होगी ही होगी, ठीक है, उसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी वी ऑब्जर्व मोनोपोली पावर, ड्यूओपोली में भी वी सी मोनोपोली पावर, एंड इन ओलिगोपोली ऑल्सो देयर इज मोनोपोली पावर। सो इन सब में मोनोपोली पावर होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है जिसमें कि मोनोपोली पावर नहीं होती है, ठीक है। तो मोनोपोली पावर क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जरा सी बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन को थोड़ा सा समझ करके फिर हम रिलेट कर पाएंगे। सो अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जो हमारा डिमांड कर्व होता है, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग प्राइस अलोंग द वाई एक्सिस एंड आई एम टेकिंग क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर आप ऐसा कह लीजिए आउटपुट अलोंग द एक्स एक्सिस, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपने आउटपुट ले लिया एक्स एक्सिस में और प्राइस ले लिया वाई एक्सिस में, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आपका जो डिमांड कर्व होगा इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और डिमांड कर्व यानी कि एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ए आर इक्वल्स टू एम आर, दिस यू ऑल नो, ठीक है।
डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस गुड इज इनफाइनाइट, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं दैट योर गुड इज परफेक्टली इलास्टिक. दिस इज द सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब हुआ कि जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट. और हमें मालूम है, अभी मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपकी मोनोपोली पावर एग्जिस्ट नहीं करती है. इन सारी जगहों पे करेगी मोनोपोली पावर एग्जिस्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मोनोपोली पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी. अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मोनोपोली पावर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब आपकी मोनोपोली पावर जीरो हो गई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. यस और नो? सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर मोनोपोली पावर इज जीरो, राइट? ध्यान दीजिएगा, मोनोपोली पावर कैन बी रिटन एज एम सफिक्स पी. ठीक है, इट इज जीरो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. और अभी मैंने दूसरी चीज आपको क्या बताई कि इलास्टिसिटी कितनी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इनफाइनाइट. ओके, अब इन दोनों को रिलेट करके हम क्या समझ पा रहे हैं? अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो हमें पता चलता है कि जब मोनोपोली पावर मिनिमम है, जीरो है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मैक्सिमम, इट इज इनफाइनाइट. दैट मीन्स मोनोपोली पावर is inversely related to elasticity. Yes or no? बताइए. हाँ कि ना? देख लीजिए, perfect competition में zero होती है और आपकी elasticity infinite होती है. So MP equals to 1 upon infinite, यानी कि zero. देखिए आ गया. So this relation is absolutely correct, that monopoly power is inversely related to, monopoly power is inversely related to elasticity. और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पे प्राइस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. सो कैन आई से और नॉट दैट मोनोपोली पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी. एकदम क्लियर हो गया आपको? दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना? पूरा लिख देता हूं, दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है ना? ये जनरल एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया मोनोपोली पावर और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में. बताइए, ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आते हैं लर्नर्स मेजर ऑफ मोनोपोली पावर में. लर्नर ने क्या कहा था? ठीक है, अब हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं. वो क्वेश्चन उससे पहले का बैकग्राउंड था, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि लर्नर ने एक्चुअली बात कही क्या, आप उसको समझ सकें. क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, मुझे टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है ना? तो देखिए, लर्नर ने कहा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक वो स्टेट है जहां पे मोनोपोली पावर जीरो होती है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया. यस और नो? और अगर मोनोपोली पावर जीरो होती है तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, राइट? फिर तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चीजें चलेंगी, मोनोपोलिस्ट के हिसाब से नहीं चलेंगी. यही परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे मोनोपोली पावर जीरो होता है, राइट? मैं इसको लिख देता हूं, इट विल बिकम मोर रिलेटेबल दैट इन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. हाँ, पीसी मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कोई स्टैंडर्ड एब्रीवेशन नहीं है, बस शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं कि टाइम ना वेस्ट हो. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मोनोपोली पावर इज जीरो. मोनोपोली पावर जीरो मीन्स नो एक्सप्लॉयटेशन, दैट मीन्स सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमम. बताइए, इस स्टेट में हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो जाता है. कौन से केस में? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. ठीक है ना? और क्योंकि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्टेट है, राइट? या फिर एक ये आइडियल स्टेट है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपकी एक आइडियल स्टेट बन जाती है. हर मार्केट को इसी स्टेट पे ऑपरेट करना चाहिए. ओके, हर मार्केट को आइडियल स्टेट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही ऑपरेट करना चाहिए. देन ही सेड, ये तो पहली बात कही उन्होंने लर्नर्स ने. सेकंड थिंग दैट ही सेड वाज दैट इफ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस का एलोकेशन अनइक्वल हो जाता है,
या मिस एलोकेशन हो जाता है रिसोर्सेस का, तब आपकी जो स्टेट है वो परफेक्ट इकोनॉमी से शिफ्ट कर जाती है और वो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी दूसरी स्टेट में पहुंच जाती है। यानी कि अगर कोई सेक्टर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के साथ काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो वहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लेकिन जैसे ही वहां पे मिस एलोकेशन हो गया रिसोर्सेस का, आपका ये परफेक्ट स्टेट से एक शिफ्ट आ जाएगा, आपकी स्टेट कहां चली जाएगी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ड्यूओपोली, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर थिंग्स, लेकिन अब वो आइडियल स्टेट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन की स्टेट नहीं रहेगी। बोले इतनी बात क्लियर होगी? राइट अब चलिए, अगर मैं एक प्रॉपर, और ये आप जानते भी होंगे, फिर मैं बना देता हूं, कर्व बनाऊं परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। एक्स एक्सिस के अलोंग में क्वांटिटी, आउटपुट कुछ भी ले सकते हैं, आउटपुट लिया, यहां पे मैंने प्राइस ले लिया। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ये डिमांड कर्व होता है ना, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के यहाँ पे इक्वल होता है। बोलिए, ठीक है, अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करूं तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरह से आता है, एक पॉइंट पे टच करता है इसको, राइट, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। और अब अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूं, ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा हूं, समथिंग लाइक दिस इज योर एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये तीनों, इसके करस्पॉन्डिंग मैं प्राइस को पी मान लेता हूं। ओके, दिस इज योर आइडियल कर्व फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मार्केट में होती है यहां पे, दैट प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से लर्नर ने अपना एक मोनोपोली इंडेक्स दिया, या ऐसे बोलिए उन्होंने लर्नर्स मोनोपोली पावर इंडेक्स दिया। व्हाट्स द नेम ऑफ इट, ही गेव लर्नर्स मोनोपोली पावर इंडेक्स, ठीक है। और ये कितना आया वैल्यू, इसको उन्होंने कहा दिस इज पी, ठीक, मैंने एमपी लिख दिया, सॉरी, पी माइनस एमसी मार्जिनल कॉस्ट अपॉन पी, ठीक है। ये होता है लर्नर्स मोनोपोली पावर इंडेक्स, ठीक है। बोलिए, अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या हो रहा है यहां पे, यहां पे पी इज इक्वल टू एमसी, देखिए प्राइस और एमसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, पी इज इक्वल टू एमसी। सो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आपका प्राइस एमसी के इक्वल होता है, तो इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, तो आपका लर्नर्स मोनोपोली पावर इंडेक्स आ जाएगा पी माइनस पी अपॉन पी, न्यूमरेटर जीरो हो गया यानी जीरो हो गया, यानी लर्नर्स मोनोपोली पावर इंडेक्स जीरो आता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। अंडरस्टूड और नॉट, बोलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इकोनॉमी में ये तो एक एक्सट्रीम हो गई, ठीक है ना। अब जरा समझिए, परफेक्ट कंपटीशन एक एक्सट्रीम है, स्टार्टिंग पॉइंट है इस इंडेक्स का। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, तो क्या लर्नर्स मोनोपोली पावर इंडेक्स की वैल्यू वन हो सकती है? जी हां, बिल्कुल हो सकती है। कौन से केस में, फ्री गुड्स के केस में। इफ वी टॉक अबाउट फ्री गुड्स, सो यहां पर हमारा लर्नर्स इंडेक्स, लर्नर्स मोनोपोली पावर इंडेक्स, बहुत लंबा नाम है इसलिए शॉर्ट में बोले दे रहा हूं, लर्नर्स इंडेक्स, इसकी वैल्यू वन आ जाती है। अब बात ये आती है, इफ यू डोंट नो, कि इकोनॉमी में हम फ्री गुड्स क्या होते हैं, किनको हम फ्री गुड्स कहते हैं, तो इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। पहला तो ये है, ऐसे गुड्स जिनकी स्कार्सिटी ना हो, दे आर नॉट इन स्कार्स, इनकी कोई स्कार्सिटी ना हो। सेकंड चीज क्या है, इनका अनलिमिटेड सप्लाई हो, सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो, दे हैव अनलिमिटेड सप्लाई। और अगर किसी गुड की में स्कार्सिटी नहीं है प्लस उसका अनलिमिटेड सप्लाई है, तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, द एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड, गुड की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट इनकर करते हैं उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। बोलिए, तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट यहां पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट तो इनकर ही नहीं करनी पड़ रही है, अनलिमिटेड सप्लाई है। बोलिए, ठीक है ना,
So your marginal cost will be zero. Mm-hmm. Let me write it here. So इससे हमें हम infer कर सकते हैं that marginal cost is zero. बोलिए. And if marginal cost is zero in this case, तो learner's monopoly power index की value कितनी आती है? P minus MC upon P. MC zero, so P by P value आ गई one. बोलिए. ठीक है ना? ठीक है. So, ये मैंने आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है. ओके, तो मोनोपोली पावर या लर्नर्स मोनोपोली पावर इंडेक्स एक ही चीज हो गई. ये मोनोपोली पावर ही बता रहा है, तो मैं इसको मोनोपोली पावर कह सकता हूं. और अगर ये मोनोपोली पावर है तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? मोनोपोली पावर इज इक्वल टू वन अपॉन इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी. ठीक है, मोनोपोली पावर इज इक्वल टू वन अपॉन इलास्टिसिटी. और मोनोपोली पावर की एक और वैल्यू निकाली क्या? पी माइनस एमसी अपॉन पी बाय लर्नर. तो एक बात करते हैं, देख लेते हैं कि क्या लर्नर सही थे. अगर लर्नर सही थे तो हमें मालूम है एमपी वन बाय ई होता है. हमें यह भी मालूम है दैट एमपी इज इक्वल टू पी माइनस एमसी अपॉन पी. सो इफ लर्नर वॉज करेक्ट तो मैथमेटिकली ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए. दैट इज पी माइनस एमपी अपॉन पी शुड बी इक्वल टू वन बाय ई. तो अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि हाँ जी ऐसा ही होता है, तब तो फिर लर्नर वॉज राइट. बोलिए. चलिए प्रूफ करते हैं इसको मैथमेटिकली. अच्छा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां पे नॉर्मली क्या होती है? एम आर इक्वल्स टू एम सी. मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो अब जरा फॉर्मूला देखिए. फॉर्मूला है पी माइनस एम सी अपॉन पी. तो मार्जिनल कॉस्ट की जगह मैं मार्जिनल रेवेन्यू रख दूं, सो पी माइनस एम आर अपॉन पी. ठीक है, बोलिए. ओके, और एम आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एम आर का तो फॉर्मूला हम सब जानते हैं, ए आर वन माइनस वन बाय ई. ए आर क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम कॉस्ट भी बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं. यस और नो? ए आर हमारा प्राइस होता है ना. अभी सब्स्टिट्यूट करूंगा इसलिए अभी से बता दे रहा हूं. और एम आर का ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो यहां पे रखिए P माइनस एम आर की जगह ए आर वन माइनस वन बाय ई अपॉन पी. अब ए आर की जगह मैंने अभी आपको बताया इट इज इक्वल टू प्राइस, सब्स्टिट्यूट करिए. सो P माइनस पी इंटू वन माइनस वन बाय ई डिवाइडेड बाय पी. ये पी ये पी ये पी कैंसिल, क्या मिला? वन माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस वन बाय ई, वन वन कैंसिल. इसका मतलब इट कम्स आउट टू बी वन बाय ई. तो वैल्यू सेम आ रही है, दैट मींस लर्नर्स मेजर वॉज करेक्ट. ठीक है, अंडरस्टूड गाइज? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग. आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. थैंक यू.